हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे ना सैनिक विद्यालय के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ और इसका एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, कौन सी क्लास के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और बाकी आपको सर्वर में आपको दिखा भी रहा हूँ, आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ना मिलिट्री स्कूल होते हैं और इसमें क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकती हैं। और इसमें ना ये जो फॉर्म है ना ये एक साल पहले ही निकल जाते हैं, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक साल लग जाता है। सुन रहे मेरी बात? तो इसमें कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, जिन बच्चों की उम्र 1 जुलाई 2025 के हिसाब से, ठीक है, 11.5 साल से कम नहीं है और 13 साल तक है, तो वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे 6 पास हो गए ना, तो या वो 7th में इसमें पढ़ रहे हैं, अभी आप जो 7th पढ़ रहे हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे से पढ़ के बताता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है ना ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए, इसमें ना बोर्डिंग स्कूल होता है वहीं पर आपको रहना पड़ता है, छुट्टियों में आप घर आ सकते हैं या वहाँ का जो रूल्स रेगुलेशन है उसी के हिसाब से आपको चलना होगा। इसमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, अगर आप उसे क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। तो इसमें पूरी इंडिया से जो है ना बच्चे अप्लाई करते हैं, तो इसमें कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ होता है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। देखिए यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये दिल्ली ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, उनके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ और किन बच्चों के लिए है उसके रिगार्डिंग बात करूँगा। तो देखिए, अगर कोई और स्टेट के बच्चे देख रहे हैं, यूनियन टेरेटरी के देख रहे हैं ना, तो आपको अपने स्टेट यूनियन टेरेटरीज में पता करना पड़ेगा। वैसे ये पूरी इंडिया के बच्चों के लिए होता है, तो लेकिन हर स्टेट यूनियन टेरेटरी में कोटा होता है ना, तो उसी के रिगार्डिंग आपको इसमें अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर ना जो मैं आपको ये पूरा बता रहा हूँ ना, हर स्टेट यूनियन टेरेटरी में सेम रह सकता है। ठीक है, बस ये है कि आपकी यूनियन टेरेटरी या स्टेट में पेपर कब कंडक्ट करवाया जाता है एंट्रेंस का, ठीक है, वो आपको पता करना पड़ेगा। तो मैं अभी फ़िलहाल दिल्ली के बच्चों की बात कर रहा हूँ और दिल्ली के बच्चे में कौन है जो इसे अप्लाई कर सकता है। तो पहले यहाँ पर एज के बारे में बता रखा है, यहाँ बता रखा है कि जो भी बच्चा इसमें अप्लाई करे उसकी उम्र 11.5 यानी कि 11.5 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए और 1 जुलाई 2025 को वो 13 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। सीधे सीधे शब्दों में कहें कि अगर कोई बच्चा 2 जुलाई 2012 के बाद या उस तारीख को पैदा हुआ है और 1 जनवरी 2014 तक पैदा हो गया है, ठीक है, अगर 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी को पैदा हो रहा है, तो उसको जो है ना इस फॉर्म को भरने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो यहाँ बता रखा है कि जो कैंडिडेट है ना वो या तो 7वीं क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए या 7वीं क्लास पास मतलब उसने कर ली हो। मतलब अगर कोई बच्चा इस समय 6th क्लास में है ना, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, और ये बता रहे हैं कि जो 7वीं क्लास में हो या 7वीं क्लास पास कर चुका हो, ये 1 जनवरी 2025 को बच्चा ऐसा होना चाहिए, पर हमें पता है कि 31 मार्च को रिजल्ट आता है। तो इस हिसाब से अगर कोई बच्चा इसमें अप्लाई करना चाहता है, अगर वो 7वीं क्लास का है, ठीक है, या 7वीं क्लास पास कर चुका है और उसकी एज इस कैटेगरी में आती है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना होता है, इसमें आपको ना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरना होता है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मंगवाना पड़ेगा और 600 रुपये जो है ना आपके लगेंगे अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, और 555 लगेंगे SC ST के लिए। अब देखो कई बार क्या होता है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है ना वो बच्चों की जो फीस है वो खुद भी पे कर देती है, ये तो आपको जब फॉर्म वगैरह भरोगे कि उसमें ऑप्शन आ रहा होगा तो पता लगेगा, या बाद में रिफ़ंड भी कर देती है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो करेगी, ठीक है, नॉर्मली ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो बाकी इसकी 600 फीस मेंशन की गई है। जब आप ऑनलाइन फीस वगैरह भर दोगे ना, तो उसके बाद क्या होगा
आपके घर में जो आपने एड्रेस दिया होगा उसमें प्रोस्पेक्टस आएगा, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी होगी और बुकलेट भी होगी और क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट से ही आपको जो है वो डिस्पैच की जाएगी। और यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट भी है, मतलब बैंक से बनवाना पड़ता है और किसके फेवर में यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो फिर आपने जो एड्रेस दिया होगा वहीं सारी चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर बताई है वो आपको मिल जाएगी। मतलब आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हो बैंक के थ्रू, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी पोस्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा कि अगर आप पोस्ट भी करते हो और वहाँ पर डिले से पहुँचता है, मतलब डेट के बाद पहुँचता है, तो इसकी जिम्मेदारी जो है ना REMC नहीं लेंगे, ठीक है। और आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो पता है कहाँ पर सबमिट करनी है? आपको एप्लीकेशन फॉर्म, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो आपको दिल्ली में एग्जामिनेशन सेल में आपको जो है ना खुद जाना पड़ेगा, रूम नंबर 222A डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और सेक्रेटरीट, ये पूरा एड्रेस दे रखा ना, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा 30 सितंबर से पहले पहले या 30 सितंबर तक। मतलब आपको वहाँ पर जमा करा कर भी आने हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट। फिर आपको ना पेपर देने के लिए जो आपने सेंटर भरा ना जैसे दिल्ली के अंदर, तो आपको 1 दिसंबर को पेपर देने जाना होगा। फिर आप सेलेक्ट हुए या नहीं हुए उसका रिजल्ट फरवरी या मार्च के आसपास आएगा। फिर अप्रैल से ना आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपकी स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए ना पूरा 1 साल लगता है। और REMC जो है ना वो क्या करती है कि वो पूरा 1 साल पहले प्रोसीजर चालू करवा देती है ताकि बच्चे का एडमिशन ईजिली हो पाए और किसी प्रकार के बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ठीक है, देहरादून। तो ये थी वीडियो जो मैंने आपसे शेयर कर दिया, आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी भी जान सकते हैं इसकी। मैंने पहले भी वीडियोस बना रखी है, REMC लिख के AS स्टार्टर लिखेंगे वीडियोस मिल जाएगी। तो कैसे लगी वीडियो? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।